नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दौसा जिले के बिशनपुरा ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में शराब ठेके के स्थित होने से वे अवैध तरीके से तय समय के बाद भी ठेका खुला रहने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। ग्रामीण लामबंद होकर ठेके पर पहुंचे व ठेके को हटवाने की मांग करते हुए नारेबाजी का प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शराब ठेके को हटवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच, थाना पुलिस व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि दौसा बिशनपुरा मार्ग पर शराब ठेका स्थित है। यहां पूरे दिन शराब पीकर पड़े रहते हैं। मार्ग में होकर गुजरने वाली महिलाओं व युवतियों के साथ शराबी अभद्रता करते हुए गाली गलौज करते हैं, जिसके चलते मार्ग में आए दिन झगड़ा व मारपीट होती रहती है। शराबियों का मार्ग में जमावड़ा होने के चलते रात्रि के समय ग्रामीण इन मार्ग से गुजरते समय कतराते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब ठेके के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से छोटे व नाबालिग बालक भी शराब के आदि होने लगे हैं, जिससे बालकों का भविष्य खराब होने लगा है। शराब के बढ़ते मामले के चलते क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ने लगे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप कर उक्त आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित करवाने की मांग की है। ठेका हटवाने की बाबत में बिशनपुरा पंचायत में, क्योंकि यहाँ आए दिन हाउल रहता है, दारू की लाइन लगी रहती है ठेके पे। रिश्तेदार कोई भी आओ या अदर कास्ट की दृश्य भी आओ तो सब हाउल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो इस ठेके पे। यहाँ नहीं रखना। मेरा नाम अर्जुन लाल है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, और इसको हमारी मान ही लेना। पास में से सार्वजनिक बैठी, और यहाँ बैंड बैठी पानी बनी आती है। ये रास्ता पड़ता है आम गांव के बीच में पड़ता है, हमारे मोहल्ले के पास में पड़ता है, तो इसको दूर शिफ्ट करो। नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन लाल, बिशनपुरा सरपंच रघुवीर दोतानिया। ये जो शराब की दुकान है अवैध आबादी में है और ये जस्ट मेरे घर के सामने है। हम इससे पहले परेशान थे, शिकायत दी थी, सीआई साहब को मैंने अभी कॉल भी किया था, एमएलए साहब को मैंने बोल दिया है कि इस दुकान को यहाँ से बाहर भेजो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लिखित में आदेश है वो मैंने नहीं दिए, तो मेरे पास तो जो गाँव वालों का आदेश था वो मेरे पास तो आ पहुँचा है। तो ये मैं आदेश, दो दिन की छुट्टी है, सोमवार तक या कल की छुट्टी नहीं होगी, तो मैं कलेक्टर साहब को एक आदेश लिखित में और दे दूँगा, ठीक है। और मेरी तो यही मांग है कि अगर यहाँ पे अगर मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ तो मेरा गांव, पंचायत, मेरे लोग ये कैसे सुरक्षित होंगे। ये जस्ट मेरे घर के सामने ही है, तो इसको मैं कलेक्टर साहब से और हमारे एमएलए साहब से और सीआई साहब से, एसपी साहब से अनुरोध करता हूँ कि इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाए और इसको बाहर भेजे, ठीक है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।